गुड मॉर्निंग क्लास सेवेंथ। तो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने चैप्टर थ्री का रिवीजन कर लिया था, आज हम चैप्टर फोर शुरू करेंगे जो कि है द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम। ये हमने अभी अभी किया है, थोड़े दिन पहले ही, तो आपको रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बिफोर यू रीड, दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल एंड देयर पेट डॉग। ये बेसिकली एक ऐसी स्टोरी है जिसमें एक बहुत ही ज़्यादा ईमानदार और एक हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल है और उनका एक पालतू डॉग होता है। द नेबर्स आर ट्रबलसम, जो उनके नेबर्स थे, पड़ोसी थे, वो बहुत ही ज़्यादा उन्हें परेशान करते थे। एंड द डॉग्स डाइड अ सैड डेथ, और जो डॉग था उसकी क्या हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा दुखद मृत्यु हो गई थी। द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव सोलेस, एंड जो उसकी आत्मा थी डॉग की, उसने उनको क्या किया, एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वेज। बहुत सारे ऐसे तरीके थे जिन वेज में उन्होंने उसकी हेल्प करी अपने मास्टर की। तो फर्स्ट से शुरू करेंगे। इन द गुड एज ओल्ड एज ऑफ द डाइमियोज, डाइमियोज होते हैं लैंडलॉर्ड, जमींदार, जो जापान के जमींदार थे। यहाँ देखिए आपको दिखाई दे रहा है, जैपनीज वेल्दी लैंड ओनर्स। देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज ओनली सन, ओनली पेट वॉज अ लिटिल डॉग। उनका एक ही पेट डॉग था, वो था एक छोटा सा डॉग। Having no children, they loved it though it were a baby. उनके कोई बेबच्चा नहीं था तो वो उसे अपने बच्चे के समान ही, अपने बच्चे के समान ही उसे प्यार करते थे। The old dame made it a cushion of a ब्लू क्रेप, उन्होंने एक ब्लू क्रेप से क्या बनाया, एक तकिया बनाया। एंड मील टाइम मूको, अब जो डॉग का नाम था वो मूको था। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो डॉग है उसका नाम क्या था, मूको। फॉर दिस वॉज इट वॉज अ नेम, वुड सिट ऑन इट एंड स्टक एज एनी कैट, और तो ताकि वो उस पर सो सके उस तकिए पे आराम से, जैसे अदर कोई और बिल्लियाँ सोती हैं। The kind people fed the pet with the tidbits of fish from their own chopstick. वो उसे क्या खिलाते थे, टुकड़े, छोटे छोटे जो टुकड़े होते थे फिश के, वो खिलाते थे। And all the boiled rice it wanted, और जो भी चावल, मतलब बॉयल चावल उसे खिलाते थे। And thus treated the dumb creature, loved it protectors like a being with a soul. और उसे ऐसे प्यार करते थे जैसा वो उसका एक सोल है। The good old man being a rice farmer weighed daily with hoe and spade into the field. वो रोज़ाना क्या करता, rice farmer था, अपना फावड़ा लेकर जंगलों में जाता, fields में, sorry, खेतों में, working hard from morning until o tent sama as the sun is called had gone behind the hills. मतलब उस टाइम पे सन को कहा जाता था o tento sama। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सन को क्या कहा जाता था, जब तक सन छुप नहीं जाता तब तक वो काम करता। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू द वर्क, हर दिन जो डॉग था वो उन्हें काम पर फॉलो करता। नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हैरॉन, जो बत्तखें आती थी, दैट वॉकड इन द फुट स्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिकअप द वर्म्स, जो कि उस बूढ़े व्यक्ति के पैरों में आ जाती थी, जो कि कीड़े खाने के लिए, वर्म्स खाने के लिए। फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ, जो ओल्ड कपल था वो बहुत ही ज़्यादा क्या था, खुश था अपनी जो भी उनकी लाइफ थी ना उससे, ही वॉज वेरी हैप्पी। एंड ऑफन टर्नड अप सॉर्ड ऑन पर्पज टू गिव फूड टू द बर्ड्स, और कभी कभी वो क्या करता था, गड्ढे खोलकर उसमें खाना डाल देता था ताकि जो जानवर है वो खाना खा सके। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग, एक दिन जो डॉग था वो भागता हुआ आया और उसके पैरों पे क्या करने लगा, मारने लगा जोर जोर से। एंड मोशनिंग विथ हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड, द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट। पहले तो उसे लगा कि शायद वो उसका जो डॉग है वो खेल रहा है, बट बाद में बट द डॉग कीप कैप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट, बट जो डॉग था वो बार बार उसको मारे ही जा रहा था, मारे ही जा रहा था। Then the old man followed the dog a few yards to a place where the animal began a lively scratching. फिर वो जब उसको होता है ना कि जानवर क्या करते हैं, उनको कहीं ले जाना होता है, स्क्रैच करके ले जाते हैं, तो वो भी उसे ऐसे ही लेके जाने लगा। एंड थोड़ी दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि जानवर वहाँ पे खोद रहे हैं अपने पंजों से। Thinking it was buried a bone or bit of fish, the old man stuck his hoe into the earth. और जैसे ही उसने देखा कि जानवर वहाँ क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया, अपना जो फावड़ा था वो मारा ज़मीन पर, और उसने क्या देखा, वेल लो अ पाइल्ड ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम, बहुत सारा सोना, इतना सारा सोना उनके सामने चमक रहा था।
Doesn't an hour the old couple were made rich. अब पैसा सोना आते ही वो सब अमीर बन गए दोनों कपल, जो ओल्ड कपल था. द गुड सोल्स बॉट अ पीस ऑफ लैंड. उन्होंने उस पैसे से एक, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे आदमी थे तो एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदा. मेड अ फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड. अपने फ्रेंड्स को क्या दी, फीस्ट दी, खाना खिलाया. एंड गेव प्लेंटीफुल टू देयर पुअर नेबर्स. और अपने जो पड़ोसी थे, अड़ोसी पड़ोसी, उन्हें भी खूब दिया. गरीब बोलो, बहुत प्यार दिया. नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ विकेड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ. एक बहुत ही ज़्यादा बुरा चालाक कपल रहता था. नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड. बिल्कुल भी वो सेंसिटिव नहीं थे, दयालु नहीं थे. एंड हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कोल्डेड ऑल द डॉग्स वेन एवर एनी पास देयर हाउस. वो हमेशा उनके घर के बाहर से कोई भी जानवर जाता तो उसे किक करते, मारते. Hearing of their neighbor's good luck, जब उन्होंने सुना कि उनके neighbors को इतना अच्छा वो मिला है, they coaxed a dog into their garden. वो उसे क्या coax करना मतलब होता है, रिश्वत देकर उसे अपने garden में बुला लिया dog को. And set before him bits of fish and other dainties. और उसको अलग अलग खाने पीने की चीज़ें देने लगे. Hoping he would find treasure for them. उन्हें लगा कि शायद ये भी उनको क्या खजाना ढूंढ कर देगा. But the dog being afraid of the cruel pair would neither eat nor move. But वो जो dog था वो उनसे बहुत ही ज़्यादा क्या था, परेशान था, डरता था उनसे, तो वो ना तो हिला, वहीं खड़ा रहा. Then they dragged him out of the door. और फिर वो उसे बाहर ले गए. Taking a spade and a hoe with them. और साथ में क्या था, उनके एक spade था, hoe था. No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden than he began to paw and scratch the ground as if mighty treasure lay beneath. But थोड़ी देर बाद में उसने एक pine tree के पास वो गया और वहाँ पर स्क्रैच करने लगा. तो जो ओल्ड कपल था कि शायद उन्हें लगा कि यहाँ पर इसके नीचे क्या है, खजाना गड़ा है. क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड दी हो. उसने अपनी वाइफ से कहा जल्दी से मुझे हैंड में क्या दे दो, स्पेड एंड दी हो. क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फेलो एज ही डांस विद जॉय. और वो नाचने लगा. देन द कोविटस ओल्ड फेलो, कोविटस होता है बुरे, विद अ स्पेड एंड द ओल्ड क्रॉन विद अ हो बिगिन टू डिग. और सब कुछ लेकर वो खोदने लगे. बट देयर वॉज नथिंग बट अ डेड किटन. बट वहाँ पर क्या था, एक मरा हुआ बिल्ली का बच्चा. The smell of which made them drop their tools and shut their noses. जिसकी स्मेल के कारण इतनी तेज बदबू थी कि उन्होंने अपने नाक कान बंद कर लिए. Furious at the dog, the old man finished the old man kicked and beat him to death. इतना उन्हें इतना गुस्सा आया उसकी बात पे कि उन्होंने उसको इतना मारा कि उसकी मौत हो गई. And the old man finished the work by nearly chopping his head with the sharp hoe. और जो वुमेन थी उसने उसकी गर्दन को ही काट दिया. They flung him into the hole, जो खड्डा उन्होंने खोदा था उसी के अंदर. And heaped the earth over his carcass, उसकी जो बॉडी थी उसके ऊपर उसको दफना दिया. तो आज हम यहीं तक करेंगे. नेक्स्ट मैं कुछ क्वेश्चन भेज रही हूँ, उनको लर्न कर लीजिएगा. थैंक यू.